हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फिज़िक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें से हमने इस बाल स्प्राइट के ऊपर एक रिजिड बॉडी यूज़ किया था और दूसरी प्रॉपर्टी हमने ग्लाइडर यूज़ किया था। तो आज कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह के हमारे पास ये पाथ था और पाथ के ऊपर हमने बॉक्स ग्लाइडर यूज़ किया था, इसी तरह हमारे पास ये बॉल थी। तो इस बॉल क्योंकि सर्कल शेप में है तो इसलिए हमने सर्कल ग्लाइडर यूज़ किया। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और स्प्राइट यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, स्प्राइट है, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। और इसके ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल ग्लाइडर यूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर हम पॉलीगॉन ग्लाइडर 2D यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसके जिस तरह की शेप है उसी शेप के मुताबिक इसके ऊपर ग्लाइडर ऐड हो गया है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ग्लाइडर्स अवेलेबल हैं, तो जिस तरह की हमारे पास शेप होती है हम उस शेप में उसी तरह का ग्लाइडर यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस ग्लाइडर को हम एडिट भी कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए था तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, एडिट पॉलीगॉन ग्लाइडर, और यहाँ से इस पॉइंट को नीचे कर लेंगे और इसकी जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो हम कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिक्स की, उनको हम देख लेते हैं। अगर इस कंडीशन में मैं इसको रन करता हूँ गेम को, तो हमारा बॉल इससे क्लाइड होके यहाँ पे आके रुक जाता है, जबकि एक बॉल को बाउंस होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ मटेरियल्स के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक मटेरियल फिजिक्स मटेरियल क्रिएट करूँगा, फिजिक्स मटेरियल 2D, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बाउंस। और हमारे पास ये बाउंस के अंदर हमारे पास की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो इसके हम फ्रिक्शन सेट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम बाउंसीनेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 1 दे दूँ तो अभी ये ये बाउंस होती होती बहुत आगे जा रही है। इसी तरह इसकी फ्रिक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करता हूँ 2D मटेरियल, इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रिक्शन का। और इसकी फ्रिक्शन में 0, तो फ्रिक्शन बहुत कम है, थोड़ी देर के बाद जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इवेंट्स होते हैं कुछ, बाकी जो फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस बॉल को मूव करना सीखेंगे कि हमने इसको रोटेट किस तरह से करना है, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रिप्टिंग की तरफ जाएंगे और सी शार्प के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसके अंदर हम इस बॉल को रोटेट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।